गरियाबंद जिला में पत्रकार परमेश्वर राजपूत को गोली मारकर हत्या किए जाने की धमकी 12 पत्र मिले, एक माह हो गया है और अभी तक आरोपी पुलिस के पहुंच से बाहर है। ज्ञात हो कि पत्रकार परमेश्वर राजपूत को गोली मारकर हत्या करने की धमकी भरा पर्चा उनके ग्राम हीराबतर स्थित निवास में 14 अक्टूबर को डाला गया था, जिसकी FIR छुरा थाने में दर्ज कराई गई। लेकिन आज एक माह बाद भी अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर है। ज्ञात हो कि छुरा निवासी पत्रकार उमेश राजपूत की 23 जनवरी 2011 को उसके अमापारा छुरा में स्थित निवास पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें अपराधियों के नहीं पकड़े जाने पर उसके भाई पत्रकार परमेश्वर राजपूत ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाकर CBI जांच की मांग की थी, जिस पर न्यायालय ने CBI जांच का आदेश जारी किया था। CBI ने एक वर्षों तक जांच की और अभी यह मामला CBI कोर्ट में लंबित है। इस बीच अभी लगभग एक माह पहले उमेश राजपूत के कुछ परिजनों का बयान भी CBI कोर्ट में दर्ज हुआ और आगे कुछ दिनों में याचिकाकर्ता परमेश्वर राजपूत का बयान दर्ज होना था। इसमें याचिकाकर्ता ने संदेह जताया है ये घटना उमेश राजपूत हत्याकांड से जुड़ा हुआ सकता है, जिस पर परमेश्वर राजपूत ने अभी तक अपराधियों के नहीं पकड़े जाने पर 15 नवंबर को आवेदन देकर छुरा थाना प्रभारी से विशेष टीम गठित कर त्वरित जांच एवं कार्यवाही, पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा एवं संरक्षण की मांग की थी। वहीं इस घटना के संबंध में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का कहना है अभी जाँच चल रही है, इतने दिन तक अपराधी नहीं पकड़े जा सके हैं और जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक पत्रकार परमेश्वर राजपूत के लिए खतरा बना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। जी, 13 अक्टूबर को मेरे घर के सामने में एक पर्चा डाला गया था जिसमें गोली मारकर हत्या करने की धमकी दिया गया था। इस संबंध में 15 तारीख को छुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी क्रम में कल छुरा थानेदार को मेरे द्वारा फिर आवेदन दिया गया कि इसमें एक विशेष गठित जांच टीम कर कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए। जिस प्रकार मेरे ही भाई उमेश कुमार राजपूत की 23 जनवरी 2011 को इसी प्रकार गोली मारकर निवासी स्थान पर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जाँच आज 11 साल बाद भी CBI कोर्ट में लंबित है, और इसी क्रम में इस प्रकार से फिर मुझे जो गोली मारने की धमकी भरा पर्चा डाला जाता है, जो हम परिजन या पत्रकारों के लिए कहें यह एक दुर्भाग्यजनक बात है। इस संबंध में आगामी दिनों में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का गरियाबंद जिले का दौरा है, हम परिजन इस बात को लेकर उनके पास भी गुहार लगाएंगे और ऐसी घटनाओं पर प्रशासन त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस का यह कहना है कि हम अभी मामले की जांच में जुटे हैं।